सब्सक्राइब कीजिए सनसेक एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो नंबर टू। इसमें क्या कराएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ गेम ऑफ कार्ड्स। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हम फुल कोर्स करा रहे हैं इसका, आई टी से मैथमेटिक्स स्टैटिक्स का और अदर एंट्रेंस एग्जाम जितने भी एमएससी हो गया, जैसे कि अपना एमएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या फिर आप बीएचयू का ले लीजिए। इस तरह से कोई भी एग्जाम है, जितने भी एमएससी के कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो सारे हम कराएंगे। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। अगर आप पीडीएफ इसलिए कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट या फिर कोई भी कंटेंट चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर इन सभी वीडियोज़ को मैनेज वे में देखना है, तो आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.sensecheducation.com पर। अब बात करते हैं स्क्रीज कंटेंट की। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर। अब बात करते हैं इसमें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज दैट फाइव कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एक तरह से पिछला क्वेश्चन था जो हमारा, उसी का कंटिन्यू है, जस्ट थोड़ी टाइप चेंज की है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो मल्टीप्लिकेशन रूल की। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर ही है, ताकि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। ये मेरा आइडिया है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो अब इधर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा कि अपने पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 5 कार्ड हमने निकाले हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से 3 कार्ड सेम काइंड के हों। काइंड का मतलब ध्यान से समझना, काइंड का मतलब जो नंबर है अपना वही नंबर सब पे हो। जैसे कि अपने पास पहला नंबर के है तो बाकी दो और भी हों, तो 3 के हों, या फिर 3 एक नंबर के हों, या फिर 3 दो नंबर के हों, या 3 4 नंबर के हों, मतलब 3 नंबर सेम डिजिट के होने चाहिए। काइंड का मतलब इधर ये है। और जो बाकी बच गए दो, वो चाहे डिस्टिंक्ट होने चाहिए और डिफरेंट काइंड के होने चाहिए, मतलब अलग होने चाहिए, और दोनों अलग होने चाहिए और अलग काइंड के होने चाहिए। मतलब समझे कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर होने चाहिए, और डिफरेंट काइंड का मतलब कि सेम शेप के नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं इसमें, तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है ये कि मतलब 3 सेम काइंड के होने चाहिए, बाकी जो बच गए दो वो डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट काइंड्स के होने चाहिए, इसका मतलब है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वही इसमें बताऊंगा, ताकि जो नए हैं वो अच्छे से समझ सके। और सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे इसमें कि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल पता होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं एमएन रूल। एमएन रूल मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में पूरा एलोबरेट कर चुका हूँ, इसमें जस्ट थोड़ा बेसिक बताऊंगा इसका क्या है एमएन रूल। मान लीजिए कि दो एक्सपेरिमेंट है, ये एम है और ये एन है, उसके इसके चांसेस आउटकम कितनी है एम, और इसके आउटकम है एन। फर्स्ट इसको मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसको सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अगर ऐसा हो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद फॉलो हो रहा है सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगी वो क्या होंगी, एम एन। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। सपोज वी हैव टू एक्सपेरिमेंट्स, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन एम आउटकम्स एंड वाइल द सेकेंड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन एन आउटकम्स। द कंपोजिट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोड बाई सेकेंड एक्सपेरिमेंट हैज एम एन आउटकम्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एम एन ऑर्डर्स पेयर। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल, या फिर हम कह सकते हैं इसे एम एन रूल। यही हमारा एम एन रूल है। फर्स्ट ये चीज़ पता होना चाहिए, और दूसरी आपको कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन का मतलब जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, जैसे कि आपको पता ही होगा एन सी के, या फिर आपने पढ़ा होगा सी एन के, या फिर हम कह सकते हैं एन के। इसका मतलब क्या रहता है अपना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ के थिंग्स फ्रॉम ए सेट ऑफ एन थिंग्स, ये रहता है इसका मतलब। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ के थिंग्स टेकन फ्रॉम ए सेट ऑफ एन थिंग्स, इसका मतलब ये रहता है। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो किसके इक्वल रहती है, वो रहती है अपनी एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल, एन माइनस के फैक्टोरियल, ये इसकी वैल्यू रहती है। फिर इसका मतलब क्या हुआ एन से के का, कि मतलब आपने के चीज़ें निकाली हैं किसमें से, एन चीज़ों में से, तो ये इसका मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन का। अब जो तीसरी चीज़ है वो आपको जो पता होनी चाहिए वो कार्ड्स के बारे में, कि कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप से होते हैं। तो कार्ड्स के ऊपर भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में जा चुके हैं। पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। इधर एक जैसे एक काइंड अपना ये, इसके जो अपने हार्ट्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, मतलब 52 हार्ट्स में से 13 अपने हार्ट्स होते हैं, 13
स्पेड्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं। तो ये अपने 13 13 हो गए। काइंड्स, काइंड जो बोलते हैं, काइंड जो इसमें यूज किया गया वो इस टाइप से यूज किया गया कि ये फर्स्ट काइंड है, या फिर इस तरह से मान लीजिए ये जो एक पूरा सेट है सेम कलर, जैसे पांच पांच पांच, इसे हम बोलते हैं काइंड। तो एक ही काइंड के किसी भी कार्ड, 52 कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं, 4 ऐसे कार्ड्स होते हैं जो सेम काइंड के होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन में जो यूज किया गया वर्ड काइंड का मतलब। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि क्वेश्चन की मांग क्या है। सबसे पहले जो इसमें जो मांग है वो क्या है कि टोटल सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए कि इसमें सैंपल स्पेस कितना बनेगा। तो पहली बात तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा इसका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे वो आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितनी बनेंगे हमारी इधर, वो अपनी रहेंगी 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने कितने निकालने हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे अपनी, 52C5। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी रहती है, आप अगर कैलकुलेट करें तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपको इजी रहेगा कि इसको कैलकुलेट ना करें, आप खुद लास्ट में जाके सोल्व करने से। अब बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो हमारा ये है इतना, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 काइंड्स ऑफ दिस, 3 ऑफ ए काइंड। तो इसमें क्या करना है हमें कि इसको हमें इवेंट मानना है ई वन। इसको मैंने मान लिया, क्या माना, इवेंट ई वन। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो इवेंट माना है इसमें क्या रहा अपना, कि सबसे पहले क्या रहेगा अपना, टोटल कितने कार्ड्स हैं, एक काइंड के मान लीजिए आप 13 कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स कितनी है इसमें, 1 2 3 4, ऐसे टोटल 13 काइंड्स बने, और हर एक काइंड के कितने कार्ड्स होते हैं, 4। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इवन की निकालनी है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर इवेंट इवन। इवन हमने क्या माना, ये इवेंट मान लिया हमने कि गेटिंग एग्जैक्टली 3 ऑफ ए काइंड्स, दी अदर 2 कार्ड्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट काइंड। तो ये मैंने मान लिया। तो अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल अपने पास डिफरेंट काइंड्स कितनी है, 13 है ना। 13 में से हमें कितने सेम, 13 में से किसी एक काइंड के, 13C1, 13 में से हमें एक काइंड के कितने चाहिए, एक काइंड के कितने हमारे पास, 4, और उसमें से कितने चाहिए हमें, 3, 14 4C3। इसका मतलब समझे आप, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि 13C1 का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ काइंड्स कितने हैं अपने पास, 13, और उनमें से हमें कितने निकाले हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ काइंड्स कितने हैं, 13, और उसमें से हमने कितने निकाला है, एक काइंड के, वी नीड वन काइंड। तो वन काइंड के हमने कितने चाहिए, वन, एक ही काइंड बोला है ना इसने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ऑफ ए काइंड, एक काइंड लगाया ना इधर, तो एक काइंड का मतलब क्या हुआ, एक ही काइंड के होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन। 13C1 का पता चला आपको मतलब। अब इसी प्रकार हमारा क्या रहेगा, 4C3 का मतलब पता होना चाहिए आपको। 4C3 का मतलब क्या रहेगा आपका, एक काइंड के हमें पता है कि 4 पत्ते होते हैं, अब उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे होने चाहिए किसे, सेम काइंड के। तो 4 टोटल अपने पास कितने हैं, 4 टोटल नंबर ऑफ सेम काइंड के होते हैं, उनमें से हमें टोटल कितने चाहिए, 3 चाहिए सिर्फ। तो उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4C3। ये तो हो गया हमारा 3 ऑफ ए काइंड। अब 3 तक का तो हमारा हो गया, अब बाकी जो बचे 2, टोटल हमारे 5 है ना, 5 कार्ड निकले, तो इस इवेंट में 5 कार्ड निकल रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा किसका, स्टार्टिंग के 2। अब इसके बाद हमारा क्या रहेगा, जो बच गए 13 है, 13 के बाद हमारे पास 12 बचे काइंड, क्योंकि एक काइंड तो हमने पहले ही चूज कर ली, और इसने बोला है कि जो बाकी बच गए 2 वो डिफरेंट काइंड होने चाहिए, डिफरेंट काइंड, तो मतलब इससे तो अलग होने चाहिए। तो बच गए हमारे कितने, 12, 12 में से अपने कितने निकालने हैं, हमने बच गए 12 काइंड है, उनमें से हमें 2 काइंड के निकालने हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हमारी, 4 1। यह मतलब इसका क्या हुआ हमारा, 4C1। इसका मतलब क्या रहा अपना कि 12 जो बच गए काइंड्स, एक काइंड तो हमने पहले ही चूज कर ली, और बाकी जो 2 काइंड्स हो गए वो डिफरेंट होनी चाहिए इससे, तो वो हो गए हमारे 12C2। 12 में से हमें 2 निकालने हैं, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 4C1। 4C1 हमने क्यों यूज किया इधर, एक कार्ड के लिए और फिर दूसरे कार्ड के लिए हमने यूज किया 4C1। इसका मतलब समझे आप, कि सबसे पहले इसका मतलब बताते हैं हम आपको, 12C2 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 12 काइंड्स बचे हैं, टोटल हमारे पास 13 काइंड्स थी, उनमें से एक काइंड तो फिक्स हो चुकी है पहले इधर, लॉक हो चुकी है इसमें, और बचे 12 काइंड्स,
12 काइंड्स में थे, हमने कितने निकालने हैं, दो पत्ते निकालने हैं, और वो भी दोनों डिफरेंट काइंड्स के होने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 12C2। 12C2 का मतलब क्या हुआ, 12 काइंड्स में से दो काइंड्स के हमें क्या निकालने हैं, कार्ड्स निकालने हैं दो काइंड्स के। तो 12C2 इसके कॉम्बिनेशन कितने बने, 12 में से दो काइंड्स के निकालने हैं हमें, दो ये हो गया। उसके बाद जो दो काइंड्स हैं उनके चांसेस कितने हैं, एक काइंड के कितने हैं हमारे पास, फोर, और उनमें से हमें एक चाहिए, और जो बाकी दूसरी जो काइंड है वो क्या है, फोर, और उनमें से भी एक चाहिए। तो ये फर्स्ट काइंड के लिए और ये सेकंड काइंड के लिए हमने लिए थे दो, तो ये एक काइंड ये हो गई, एक काइंड ये हो गई, तो हमारे ये बन गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम फॉर इवेंट ई1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 क्या रहेगी हमारी, 13C1, 4C3, 12C2, 4C1, 4C1 अपॉन में 52C5, ये हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इधर मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आपको एक बता देता हूँ, 13C1 का मतलब क्या हुआ, 13 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और इंटू में 13 में से एक गया 12 फैक्टोरियल, ये वैल्यू रहती है किसकी, 13C1 की। तो हमारा इधर से जो आएगी वैल्यू क्या आएगी, 13C1 को हम लिखेंगे 13, 4C3 को हम क्या लिखेंगे, 4। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि 4 और 4C1 और 4C1 का कितना आ गया, 4 × 4। ये किस लिए लिखा मैंने, ये NC1 इज इक्वल टू NCN-1 इज इक्वल टू N होता है, तो यही मैंने इधर यूज किया इसको, और नीचे 52C5 है। इसको जब आप खोलोगे जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करते रहना आप, और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, 0.0211, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप खुद ट्राई करना मल्टीप्लीकेशन इसका, और जब मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो आप बताना कमेंट सेक्शन में ये सही है या नहीं। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, जो हमने स्टार्टिंग की कि 52C5 क्यों हुआ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने कितने निकाले हैं, 5 ऐसे कार्ड निकाले हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, 13C1, क्योंकि हमने 13C1 का मतलब ये रहा हमारा कि 13 कार्ड्स में से हमने एक काइंड का ही हमने चूज किया, 13 काइंड में से एक काइंड हमने चूज की, एक काइंड चूज कर ली मान लीजिए मैंने ये। अब इसमें इस काइंड में मेरे पास चार चार कार्ड्स हैं, और चार कार्ड्स को हमने, चार कार्ड में से हमें सिर्फ कितने चाहिए, 3, तो 4C3 लिखा मैंने। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, बचे हमारे ये काइंड तो लॉक हो चुकी, ये काइंड हमारी लॉक हो चुकी, उसके बाद जो बची काइंड्स टोटल कितनी है, 12। 12 काइंड्स में से हमें दो काइंड्स के चाहिए, दो काइंड्स के चाहिए, तो उसमें से कितनी प्रोबेबल वो बनेगी, आउटकम्स चांसेस कितने बनेंगे, 12 में से दो काइंड हमने लॉक कर ली, मान लीजिए हमने ये लॉक कर ली, एक ये लॉक कर ली। अब इसमें से ये दो लॉक की, उनमें से एक काइंड जैसे ये है, इसमें से हमें एक निकालना है, और इस काइंड से हमें एक निकालना है, क्योंकि इसने बोला है डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट काइंड्स, मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो फर्स्ट काइंड में से हमारा 4C1 बनेगी, और दूसरी काइंड है उसमें से क्या बनेंगे, 4C1। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनी इवेंट वन की, और इसी प्रकार हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फॉर एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ से हमारे आंसर आ गया 0.022211, तो इससे हमारा ए आंसर आ गया। आ गया होगा आपको समझ में, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब बात करते हैं इस पेटीएम क्यूज के टेस्ट की, इसकी हम बाद में बात करेंगे, एक हफ्ते बाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।